घर बैठे घर के सामान से इंस्टेंट छोले और फूले फूले भटूरे आप बना सकते हैं बिना किसी झंझट के, बिना किसी मेहनत के दोस्तों, बिल्कुल आसानी से। तो चलिए आज हम बनाएंगे छोले और भटूरे। जैसे हमारे घरों में अक्सर बनता है वैसे ही बनाएंगे और बहुत ही सिंपल रेसिपी है छोलों की, मिनटों में बन जाएगी लेकिन स्वाद इसका बहुत ही लाजवाब होने वाला है। तो छोलों को मैंने रात भर अच्छे से पानी में भिगो कर रख दिया था। देखिए ये छोटे वाले इस तरीके के छोले हैं हमारे। तो चलिए बिना किसी देरी के बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक कुकर ले लेंगे गैस पर, गैस को ऑन कर देंगे और इससे हम लोग ले लेंगे एक कुकर। इसमें हम डालेंगे अपना देसी सरसों का तेल। तो दोस्तों बिल्कुल देसी तरीके से और बिल्कुल आसान और स्वादिष्ट तरीका है ये छोले बनाने का। तो सबसे पहले हमने ले लिया है कुकर में सरसों का तेल, अच्छे से इसे धुएँदार होने तक गर्म कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों तेल हमारा हो गया है अच्छे से गर्म। तो चलिए जल्दी से बनाना शुरू करते हैं छोले। इसमें डाल देंगे आधा छोटा चम्मच जीरा, बिल्कुल देसी और बेस्ट तरीका दोस्तों मैं आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ मैंने डाल दिया 1-2 तेज़पत्ता। इस तरीके से आप तेज़पत्ता और जीरा डाल दें, उसके बाद डाल दें हरी मिर्च या सूखी हुई लाल मिर्च, जो भी मिर्च आपको पसंद हो आप डाल सकते हैं। 1 बड़ा चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल दें, लहसुन का बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है छोलों में दोस्तों। उसके बाद हम यहाँ डाल देंगे बारीक कटा हुआ अदरक, ये सूखा हुआ अदरक मैं डाल रही हूँ, मेरे पास अभी नहीं था तो आप फ्रेश अदरक को बारीक काट कर डाल लें। तो देखिए सभी चीज़ अच्छे से ब्राउन हो चुकी हैं। इसमें हम डाल देंगे 2 चुटकी के करीब हींग। आहा दोस्तों हींग से बहुत ही अच्छा डाइजेशन हो जाता है हमारा। तो देखिए अच्छे से सभी चीज़ें गोल्डन ब्राउन हो चुकी हैं। अभी इसमें हम 3 मीडियम साइज़ का प्याज ऐड कर देंगे। प्याज को इस तरीके से बारीक कट कर लिया है, उसके बाद इसे अच्छे से मिक्स करेंगे। प्याज में हम डालेंगे दोस्तों हल्का सा नमक स्वाद के अनुसार, बस प्याज के क्वांटिटी के हिसाब से नमक हमें डालना है। उसके बाद 1-2 मिनट इसे हम हल्का सा गोल्डन कलर होने तक कुक करेंगे। तो जब तक दोस्तों हमारे प्याज भुन रहे हैं तब तक चलिए मैं आपको मज़ेदार सा देसी मसाला बता देती हूँ फटाफट से। तो देखिए दोस्तों यहाँ एक तवे में मैंने ले लिया है सभी हमारे घर में जितने भी गर्म मसाले होते हैं ना, जीरा, काली मिर्च, लौंग, इलायची, दालचीनी, ये जो ये स्टार वाला फूल जो होता है, तेजपत्ता, लौंग, सभी मसाले हमने ले लिए हैं इसमें और हल्का सा इन्हें हम रोस्ट करेंगे। देखिए दोस्तों मसाले हल्के से रोस्ट हो चुके हैं। तो इन्हें हमें क्या करना है, इस तरीके का जो छोटा खल आता है हमारे घर में, इसी खल में आपको डालकर हल्का सा इनका कूटकर और हल्का दरदरा आपको पाउडर बनाकर तैयार कर लेना है। तो चलिए मैं बना लेती हूँ, उसके बाद आपसे मिलती हूँ। देखिए दोस्तों 2-3 मिनट हो चुके हैं और प्याज हमारा अच्छे से हल्का सा गोल्डन ब्राउन कलर आ चुका है प्याज में। तो बस इसे बहुत ज़्यादा नहीं भुनना है, अब बेसिक से सूखे मसाले ऐड करेंगे फटाफट से। हल्दी डालेंगे, यहाँ पर डालेंगे लाल मिर्च का पाउडर, 1 चम्मच के करीब धनिया पाउडर, ये घर का पिसा हुआ धनिया पाउडर है तो इसका बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। अगर आपके पास नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर हम डाल रहे हैं आमचूर का पाउडर, ये भी घर का बना हुआ आमचूर का पाउडर है तो 1/4 चम्मच के करीब इसमें आमचूर का पाउडर हम डालेंगे। यहाँ हम डाल रहे हैं ये आंवला को सुखाकर उसका पाउडर बनाकर रखा हुआ है, तो आप सूखा आंवला भी 1-2 डाल सकते हैं, या नहीं डालना चाहते हैं तो बिल्कुल स्किप भी कर सकते हैं इन सब चीज़ों को। तो देखिए सभी मसालों को अच्छे से हमने मिक्स कर दिया है। इसमें हम डालेंगे दोस्तों 1/2 छोटा चम्मच के करीब कश्मीरी मिर्च, इससे बहुत ही अच्छा लाल कलर आएगा। ये भी ऑप्शनल है, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं, आप सिर्फ हल्दी और लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। हल्का सा इसमें हम पानी ऐड करेंगे क्योंकि मसाले हमारे हैं सूखे, ये जल सकते हैं। तो देखिए बहुत ही अच्छा मसालों में से कलर आ रहा है, आप अभी से देख सकते हैं। और बहुत ही फटाफट से मैं इस छोले को बनाकर तैयार करने वाली हूँ, लेकिन स्वाद में बिल्कुल भी फर्क नहीं आएगा दोस्तों। ये बेस्ट दुनिया का छोला बनने जा रहा है दोस्तों। तो चलिए अब हम इसमें डालेंगे स्वाद के अनुसार नमक। तो सारे छोलों का नमक हम यहीं पर ऐड कर रहे हैं। तो इसमें गया दोस्तों स्वाद के अनुसार नमक। उसके बाद इसमें हम डाल टमाटरों को मैंने मिक्सर में पीस लिया था, इस तरीके से उनका प्यूरी बना लिया था, तो वो ऐड कर देंगे। आप चाहें तो बारीक काट कर भी डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और जो पके वाले लाल टमाटर होते हैं ना, अगर वो आपके पास है तो ज़्यादा अच्छा है, जो देसी टमाटर होते हैं बिल्कुल लाल लाल। तो देखिए अच्छे से मिक्स कर देते हैं और देखिए अभी से कितना खतरनाक लग रहा है हमारा ग्रेवी, आप देख सकते हैं। 5-7 मिनट तक मीडियम फ्लेम पर
मसालों को बीच बीच में चलाते हुए हल्का सा ऑयल सेपरेट होने तक कुक कर लेना है। तो देखिए दोस्तों, मसाले का कलर देखिए हमारे कितना खतरनाक और जबरदस्त आया है। तो देखिए मसाला हो चुका है हमारा डन। अब हम इसमें डालेंगे अपने छोलों को। छोलों को अच्छे से हमने साफ धो लिया है, तो बस अब छोलों को भी मसालों के साथ लगभग आपको 7 से 10 मिनट के करीब इसे भी आप भून लीजिए। वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है दोस्तों तो ज़रूर लाइक कीजिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हम प्यार और मेहनत के साथ वीडियोस बनाते हैं, तो एक लाइक तो दोस्तों बनता है। दोस्तों आप लोग सिर्फ वीडियो देख चले जाते हैं, लाइक नहीं करते हैं, तो लाइक ज़रूर कीजिए और एक प्यारा सा कमेंट भी कीजिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, या कोई कमी लग रही है तो ये भी बताइए। कुछ मैं आपके लिए और रेसिपी बना सकती हूँ तो वो भी रेसिपीज़ को आप कॉमेंट बॉक्स में लिख कर ज़रूर बताइए। तो देखिए दोस्तों, हमारा छोला जो है बहुत ही अच्छे से भुन गया है, आप देख सकते हैं बिल्कुल ऑयल भी सेपरेट हो गया है साइड साइड में। तो अब हमें क्या करना है दोस्तों, जो हमने गरम मसालों को हल्का सा रोस्ट किया था, देखिए उनको हल्का सा खल में मैंने दरदरा कूट लिया है। इसमें से हम लेंगे 1 टेबल स्पून के करीब, 1 चम्मच के करीब, और ये गया हमारा दोस्तों खतरनाक गरम मसाला। आहा, इससे आ जाएगा दोस्तों 4 गुना के करीब स्वाद। मैं बस 1 टेबल स्पून के करीब ही डाल रही हूँ, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत ज़्यादा मुझे डालने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों मेरे छोलों के हिसाब से। और इसे कर लेते हैं हम मिक्स। अब हमें कुछ नहीं करना है, इसे इसमें हम ऐड करेंगे पानी दोस्तों, गर्मा गर्म पानी। तो चलिए, पानी भी इधर मैंने गर्म होने के लिए रख दिया है, तो अब हम इसमें ऐड करेंगे पानी। तो यहाँ पर इसमें फ्रेश लच्छों में कटा हुआ अदरक डाल देंगे, इससे भी स्वाद बहुत ही अच्छा हो जाएगा। बस अब हमें कुछ नहीं करना है, ढक्कन को कर देना है बंद और इसे मीडियम फ्लेम पर 3 से 4 सीटी आने तक पका लेना है, या जब तक आपके छोले सॉफ्ट नहीं हो जाते हैं ना तब तक पका लीजिएगा। किसी के छोले 6 सीटी में भी पकते हैं, तो मीडियम फ्लेम पर लगभग मेरे छोले 3 से 4 सीटी में पक जाते हैं। तो चलिए मीडियम फ्लेम पर इसे कर देते हैं और ढक्कन को बंद कर देते हैं और पका लेते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बारी है भटूरे बनाने की। भटूरे बनाने के लिए यहाँ मैंने 2 कटोरी मैदा लिया है, इसमें 1 पैकेट हम भर कर इनो डाल देंगे दोस्तों। आप इनो हल्का सा कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। चुटकी भर इसमें मैंने नमक डाला है, 1/4 चम्मच के करीब यहाँ हम चीनी ऐड करेंगे, ये नॉर्मल चीनी है। और ये देखिए 2 छोटे चम्मच के करीब मैंने सूजी को पानी में भिगो कर रखा था, पानी निकाल कर इस तरीके से सूजी को ऐड कर देंगे। उसके बाद 2 से 3 छोटे चम्मच हम इसमें देसी घी ऐड करेंगे, इससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भटूरे बनते हैं। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इस तरीके से, बीच में गड्ढा करेंगे और हल्का सा गुनगुना पानी डालकर इसका बिल्कुल सॉफ्ट आटा बनाकर हम तैयार करेंगे। और दोस्तों ये बहुत ही आसान तरीका है, बिल्कुल फूले फूले भटूरे बनकर तैयार होते हैं। और देखिए बिल्कुल मुलायम और सॉफ्ट आटा आपको यहाँ पर लगाकर तैयार करना है। देखिए इस तरीके से इसे पटक पटक कर आपको 2 से 5 मिनट के करीब इसे इस तरीके से पटकना है, ताकि ये बिल्कुल चिकना हो जाए और सॉफ्ट हो जाए। देखिए इस तरीके से लगभग आटा हमारा बनकर तैयार है। हल्का सा इसे इस तरीके से मदद भी लेंगे ताकि ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो जाए। देखिए इस तरीके का इसका टेक्सचर होता है, उसके बाद अच्छे से इसे। तो देखिए दोस्तों, हमारे छोले बनकर बिल्कुल तैयार हो चुके हैं। और देखिए ढककर दोस्तों प्रेशर बिल्कुल निकल चुका है, 5 से 6 सीटी मैंने इसमें लगा दिया था। उसके बाद हमारा छोला बनकर बिल्कुल तैयार हो चुका है। कलर आप देख सकते हैं ऊपर से कितना अच्छा रोगन हमारा निकल कर आया है। तो चलिए मैं आपको चला कर दिखाती हूँ। और देखिए बिना मेहनत के हमने ये खतरनाक सा छोला बनाकर तैयार किया है, आप देख सकते हैं। फटाफट से हमारा ये छोला बनकर तैयार है और कलर आप देख सकते हैं बहुत ही खतरनाक है, और स्वाद में तो और भी ज़्यादा खतरनाक है। बिना झंझट के बिल्कुल आसानी से घर के बेसिक मसालों से बनाकर हमने तैयार किया है। तो देखिए दोस्तों, लगभग आधा घंटा के लिए मैंने 2 को रेस्ट के लिए रख दिया था। तो देखिए ये इस तरीके से फूल गया है काफ़ी अच्छे से, और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और लचीला है, आप देख सकते हैं। तो चलिए अब इसके भटूरे बनाना शुरू करते हैं। मैंने एक कढ़ाई में रिफाइंड ऑयल को गर्म कर लिया है दोस्तों, देख सकते हैं। और रिफाइंड ऑयल की क्वांटिटी आप हल्का सा ज़्यादा रखें, ताकि भटूरे अच्छे से तेल में डूब जाएँ और अच्छे से फ्राई हो सकें। तो यहाँ देखिए भटूरों को हम बेल रहे हैं।
और देखिए आटा हमारा कितना परफेक्ट लगा है, बिल्कुल भी इसे बेलने में दिक्कत नहीं हो रही है। ऑयल लगा सकते हैं एक आध दो बूंद के करीब, या फिर आप इसमें हल्का सा सूखा मैदा डस्ट करके भी बेल सकते हैं इस तरीके से। तो यहाँ देखिए दोस्तों, गोल गोल भटूरों को हमने बेल कर यहाँ पर तैयार कर लिया है, और देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से ये हमने बेल कर तैयार किया है। तो देखिए दोस्तों, तेल हमारा अच्छे से धुएँदार होने तक गर्म हो चुका है। इसमें हम एक भटूरा फ्राई कर तो ये देखिए दोस्तों, फुला फुला हमारा भटूरा बनकर यहाँ पर तैयार हो रहा है। आपको बेलना है और इस तरीके से गर्मा गर्म तेल में आपको इसे फ्राई करना है, और देखिए कितने अच्छे से ये फूलेगा आप देख सकते हैं। और बिल्कुल इंस्टेंट भटूरा हमने बनाकर तैयार किया है घर पर मिनटों में। तो देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा बन रहा है। आपको कैसा लग रहा है कमेंट्स में लिखकर हमें ज़रूर बताइएगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ दोस्तों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत से हम ये वीडियोस और रेसिपीज़ बनाकर तैयार करते हैं आपके लिए। और देखिए गर्मा गर्म भटूरा ये हमारा थाली में आ चुका है। तो ये देखिए दोस्तों, हमारे छोले भटूरे बनकर बिल्कुल तैयार हो गए हैं। भटूरे आप देख सकते हैं बिल्कुल फूले फूले बने हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट बने हैं, और ऊपर से बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी हैं। और ये छोले आप देख सकते हैं बहुत ही इंस्टेंट मैंने छोलों को भी बनाकर तैयार किया है, और बहुत ही ज़्यादा अच्छा बना है। आप देख सकते हैं बिल्कुल अच्छे से रोगन सेपरेट हो गया है, बहुत ही टेस्ट वाइज अच्छा लगता है दोस्तों इस तरीके से छोले बनाने पे। और भटूरे तो बहुत ही अच्छे बने हैं, आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बिल्कुल इंस्टेंट भटूरों की रेसिपी है दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई, मेरी मेहनत ज़रा भी पसंद आई दोस्तों, तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कीजिए।